Good morning, everybody. Good morning. Good morning, everybody. Morning. Good morning. ओके, आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहा है, ठीक है? तो एक नया चीज दिखाते हैं आपको, ओके? ओके। देखिए, हेलो सर, देखिए आए। दिस इज अ बेसिकली है आइसक्रीम कंटेनर, मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम कंटेनर, ओके? तो इसमें आप क्या है, आइसक्रीम है कि नहीं? क्या है आइसक्रीम? नहीं है तो क्या है इसमें? बता सकते हैं क्या? और कोई? ओके, इन कंक्लूजन आई कैन से दैट वी कैन नॉट से व्हाट इज इन बिटवीन इट विदाउट सेक्शनिंग और कटिंग इट। मतलब इसको काट के बिना बोल नहीं सकते इसके अंदर क्या है ना? तो काट के देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है? ओके, इसमें तो कोई आइसक्रीम नहीं है, पेपर है। आइसक्रीम नहीं है ना, तो क्या है देखते हैं। ओके, देखिए सेक्शन ऑफ सॉलिड। तो आज हम यही पढ़ने जा रहा है, सेक्शन ऑफ सॉलिड क्यों पढ़ने जा रहे हैं? रीजन इज सेम, टू शो द इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, तो मेरा टॉपिक आज है सेक्शन ऑफ सॉलिड। अभी मैंने बताया कि क्यों हम ये सेक्शन ऑफ सॉलिड कर रहे हैं, टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, तो आप तो बता सकते हैं कि सर आपने तो पिछले क्लास में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिखाया था, उसमें बताया था कि हिडन लाइंस है, हिडन लाइंस हम क्यों यूज करते हैं? रीजन इज सेम, टू शो द इंटरनल स्ट्रक्चर। जो हमको दिखाई नहीं देता वो हमको हिडन लाइंस से देते हैं। तो आप बोल सकते हैं क्यों हम सेक्शन ऑफ सॉलिड सीखेंगे? रीजन यह है कि तो many objects are there which are very complex. If we draw normal top view, side view and front view of that, there are so many hidden lines are there. We cannot understand properly the internal structure of that solid. Then we will use the section of solid. Okay? Okay? So in conclusion we can say, if we cannot understand an object properly from normal top view, front view or side view, then we will use section of solid. Okay, in example we can say a drawing of a TV. If we draw normal top view, side view of a TV, can we understand the internal structure of that? Can you understand? No. If we section it, then it is clear to us that what is in between it. Okay. So topic ke andar jaate hain hum log. सेक्शन सॉलिड हम क्यों सीखते हैं ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है? ये स्लाइड में है, ये जो इंफॉर्मेशन शीट है इसमें भी है क्यों सीखते हैं हम लोग। सम बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टर्म इन सेक्शन ऑफ सॉलिड। सेक्शन फर्स्ट थिंग इज सेक्शन प्लेन और कटिंग प्लेन। कोई सॉलिड को काटने के लिए क्या चाहिए? से यू वांट टू कट ए एप्पल, what we need madam? Knife. Basically knife is a plane, it is not a straight line or not a solid. So in conclusion you can say, to cut any solid we need a plane, not a straight line or solid. By which plane we cut any object, that plane is called cutting plane. For example, if you want to cut this CPU, I need a plane. If we cut it like this, then this plane is called cutting plane. Okay, is it clear? Okay, cutting plane. Then
cutting plane line or section plane line. Look at this plane. If you look it from front view, what it looks like? Rectangle. If you look from top view, straight line. If the plane is like this, then from top view it looks like a plane, and from front view it looks like a straight line. So कोई ना कोई व्यू से इस प्लेन को एक लाइन की तरह दिखेगा. उस लाइन को हम बताएंगे कटिंग प्लेन लाइन और सेक्शन प्लेन लाइन. ओके, तो क्या बताया मैंने? मैंने बताया कोई चीज काटने के लिए एक प्लेन की जरूरत होता है. उस प्लेन को हम बताएंगे कटिंग प्लेन, और उस प्लेन को कोई ना कोई व्यू से एक लाइन की तरह दिखेगा. उस लाइन को हम बताएंगे कटिंग प्लेन लाइन. ओके, हैच लाइन और सेक्शन लाइन. कोई चीज को काटने की बात देखते क्या है इसके बाद. देखिए पिक्चर है, यहाँ एक क्यूब है, एक कटिंग प्लेन लाइन है जो ब्लू कलर में, ये स्काई कलर में है, तो इसको हम बताएंगे कटिंग प्लेन. ओके, और कटिंग प्लेन लाइन तो इधर इस पिक्चर से दिखाई नहीं दे रहा है. और जहां पर मेटेरियल कटा हुआ है, जहां से मेटेरियल रिमूव हुआ है, वहां पर हम एक टिपिकल टाइप का लाइन देते हैं. उस लाइन को हम बताएंगे हैच लाइन और सेक्शन लाइन. ओके, तो क्या है, काटने की बात ऑब्जेक्ट से जहां से मेटेरियल रिमूव होता है वहां पर हम एक पर्टिकुलर लाइन देते हैं. उस लाइन को हम बोलेंगे सेक्शन लाइन और हैच लाइन. ओके, अच्छा, इस सेक्शन लाइन और कटिंग प्लेन लाइन को देने के लिए हम एक पर्टिकुलर रूल्स है. इस रूल को हम यहाँ पर दिखाए हैं, ये इंफॉर्मेशन शीट में भी अवेलेबल है. सो हम इसका डिटेल में नहीं हम बता रहे हैं, इसका डिटेल्स तो इंफॉर्मेशन शीट में ही है. ये हैच लाइन का टाइप है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरियल डिफरेंट हैच लाइन आर यूज. लाइक फॉर कास्ट आयरन दिस टाइप ऑफ हैच लाइन इज यूज, फॉर स्टील दिस टाइप ऑफ हैच लाइन इज यूज. ओके, द लिस्ट ऑफ हैच लाइन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेरियल, ये भी इंफॉर्मेशन शीट में आपका अवेलेबल है. दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ हैचिंग, कैसे हम हैच लाइन देंगे, ये भी हम जब डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो ठीक से बताएंगे. आप देख लें अभी ये हैच लाइन को ठीक से देने के लिए 45 डिग्री एंगल में देना है. ठीक है, और इस स्पेसिंग 1 to 2 मिलीमीटर. दिस इज द करेक्ट मेथड एंड अदर्स इज इनकरेक्ट. ओके, this is the very important thing. Sectional top view और sectional front view, ये क्या है, ये जानने के बाद हम details में जाएंगे. देखिए हम वही example दे रहा है, अगर हम इस CPU को ऐसे काटे, अब बता सकते हैं कौन सा view से इस cutting plane line को दिखाई देगा? Front view या top view? काटने के बाद फ्रंट व्यू से हमारा सेक्शन लाइन नजर आ रहा है. सो ये सेक्शन फ्रंट व्यू हो गया. ठीक है, और सिमिलरली सेक्शन टॉप व्यू क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे काटे तो क्या होगा, फ्रंट व्यू से सेक्शन लाइन दिखाई देगा और टॉप व्यू से कटा हुआ पोर्शन दिखाई देगा. तो ये सेक्शन टॉप व्यू हो गया, ये इधर दिखाई दे रहा है. देखो ये क्या है, ये लाइन, ये बीपी है, ये एचपी है, ये तो जो क्लास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में था उसमें ही पता है. ये जो कटिंग प्लेन लाइन है ये कैसा है, पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू बीपी. तो काटने की बात अगर हम ऊपर से देखें तो इसका हैच लाइन नजर आएगा. तो ये क्या हो गया, ये सेक्शन और टॉप व्यू हो गया. ठीक है, ये प्लेन ऐसा भी रह सकता है, इंक्लाइन भी रह सकते हैं. तो टॉप व्यू से अगर हैच लाइन तो दिखाई देता है, कटा हुआ पोर्शन दिखाई देता है, तो ये क्या होगा, सेक्शनल टॉप व्यू होगा. इधर क्या है, ये सेक्शन प्लेन लाइन को देखिए, ये पैरेलल टू बीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी. तो काटने के बाद जो हैच लाइन दिखाई देता है वो फ्रंट व्यू से दिखाई देता है. सो इट इज सेक्शनल फ्रंट व्यू. सिमिलरली ये जो प्लेन है ये इंक्लाइन भी रह सकता है. ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन फ्रंट व्यू और सेक्शन टॉप व्यू. ओके, आज तो टाइम थोड़ा कम हो गया, तो हम एक चीज देखते हैं.
आप एक चीज बता सकते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक कटिंग प्लेन भी है, ये फ्रंट है और ये टॉप। कौन सा व्यू से इसका कटिंग प्लेन दिखाई दे, कटिंग प्लेन लाइन दिखाई देगा, और कौन सा व्यू से एच लाइन दिखाई देगी, ये बता सकते हैं आप? और पहले कटिंग लाइन, और कौन सा व्यू से कटिंग प्लेन लाइन दिखाई देगी? फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू से, वेरी गुड। एंड कौन सा व्यू से एच लाइन दिखाई देगा? टॉप व्यू से। तो ये क्या हो गया, सेक्शन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू? सेक्शन टॉप व्यू, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। तो आज हम क्लास यही खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम तो नहीं है, नेक्स्ट दिन तो बहुत सारी चीज रह गया, वो बाद में होगा, ओके, थैंक यू।